नमस्कार दोस्तों, एएस ब्लॉग्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित शशांक। तो दोस्तों, गोल्डन कार बाजार को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको यहां का बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में जो भी बुलेरो और स्कॉर्पियो ज़ाइलो ऐसी गाड़ियों की डिमांड कर रहा है, एक्सयूवी, उनकी डिमांड पूरा करेंगे। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही इंस्टा आईडी सामने आ रही है उसको भी फॉलो कर लीजिए। ऊपर आई बटन में मेरे नए चैनल का लिंक आ रहा होगा, उसको भी फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कार बाजार के ओनर को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए वो डिस्प्ले पे ये रहे। वेलकम टू एस ब्लॉक्स। और कौन कौन सी गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं, जब हमने वीडियो डाला था लॉकडाउन हो गया था तो बहुत वीडियो पसंद किया गया, लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं, बोलेरो है कि नहीं। आप इस वीडियो के थ्रू पूरी डिटेल दीजिए और फटाक से पहली गाड़ी हम कौन सी दिखाएंगे ये भी बता दीजिए। हमारे पास इस बार जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो सेडान में है, एक्सयूवी में है, हैचबैक में है, सारी गाड़ियों का अपने पास जखीरा इस वक्त मौजूद है, ठीक है। और जो आपको लॉकडाउन में वीडियो आपने बनाया था, हाँ, उसमें कुछ गाड़ियाँ अभी मौजूद हैं और नहीं भी होंगी तो अवेलेबल करा देते हैं। गाड़ियाँ आती रहती जाती रहती है, तो आपको सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी और हर प्रकार की गाड़ियाँ मिल जाएगी। ओके, कम बजट में एक्सयूवी महिंद्रा की टॉप सेलिंग गाड़ी, इसकी डिटेल दे दीजिए। कम बजट में पूरा मजा, ठीक है। एक्सयूवी 512 मॉडल है, W8 है, ओके, और उस समय का ये टॉप वेरिएंट है, टॉप है, हाँ। और ये सेकंड ओनर की गाड़ी है, ठीक है। चली कितना है ये? 76,000 चली हुई है। जेन्युइन, ठीक है। और बाकी गाड़ी आप देख ही रहे हैं, गाड़ी पूरी ओरिजिनल प्रिंट है, ठीक है। 34 सीतापुर नंबर है, लखनऊ NOC के साथ, ठीक है। कहीं भी NOC प्रोवाइड करा देंगे। ट्रांसफर दोनों ऑप्शन है मेरे पास, ट्रांसफर या कहीं के NOC दोनों दे देंगे, ठीक है। सारी डिटेल दे दी। लास्ट चीज़ जहाँ पे मैटर फंसता है, आस्किंग बता दीजिए बढ़िया सी। आस्किंग आज इसका गोल्डन ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ, 4,99,000 रुपये की 2012 मॉडल एक्सयूवी जैसी गाड़ी, W8। गोल्डन कार बाजार में खड़े हैं इसलिए गोल्डन ऑफर भी आपको देते रहेंगे। और आज और वैसे भी आज जिस गाड़ी का रेट बताएंगे अगले वीडियो से आज में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। बोलेरो ये हमने दिखाई थी लेकिन लोग डिमांड कर रहे थे कि है कि नहीं है, तो हमने कहा फिर से दिखा देते हैं। बोलेरो है, एक है, एक निकल गई है, उसकी डिटेल भैया दे दी। और भी खड़ी है, 11 मॉडल की है मेरे पास, 2014 मॉडल की है, 16 मॉडल, ये गाड़ियाँ सब बोलेरो मिल जाएंगी। बोलेरो के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको अवेलेबल करा दें। यहाँ पे जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ खड़ी नहीं कर पा रहा। ओके, बोलेरो की डिटेल वाली की। बोलेरो 2005 मॉडल है, 4x4 है, सेकंड ओनर है, ओके, लखनऊ नंबर है, और गाड़ी बिल मेंटेन है, गाड़ी में कोई काम नहीं है। किलोमीटर समथिंग 90 है, 95 के समथिंग है, ये चेक करा सकता है जितना भी करा सकता है, ठीक है। क्या आस्किंग है? 1,90,000 रुपये आज के लिए, 1,90,000 डिमांड है। ये थोड़ा बहुत नेगोशिएट करेंगे कि नहीं? अब फिलहाल आज तो वैसे भी मैं कम कर रहा हूँ, बाकी आएंगे तो 1,500 रुपये बस, ज़्यादा नहीं, मोस्ट वेलकम उनका है, हाँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट गाड़ी भी भैया, स्कॉर्पियो UP44 यानी सुल्तानपुर लखनऊ ट्रांसफर नंबर पे एक बार जरा नज़र डालिए, 0009 VIP नंबर, इसकी डिटेल दे दीजिए। ये 2009 मॉडल है, VLS है, टॉप मॉडल, टॉप एंड पावर, सॉरी पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, एलाइविल, एयरबैग एक होगा स्टेयरिंग में, ठीक है। और सेकंड ओनर गाड़ी है, ओके, लखनऊ ट्रांसफर है, ठीक है। और इसका जो है 3,25,000, 3,25 में स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी दे देंगे, 2009 टॉप एंड वेरियंट। और भी हम इससे भी कम वाली भी गाड़ी दिखाएंगे कि बोलेरो पे जो जा रहा हो वो स्कॉर्पियो ले जाए, बिल्कुल भैया, इसकी डिटेल दे दीजिए। 2005 मॉडल CRD है, ओके, ये भी सेकंड ओनर पे गाड़ी है, ठीक है। और UP34 है, ये लखनऊ ट्रांसफर है, ठीक है। सीतापुर का नंबर है, लखनऊ ट्रांसफर है, जहाँ दिखाएंगे ट्रांसफर करा देंगे, NOC दे देंगे। ये कितना चली है ये गाड़ी? चली है लगभग ये भी 90 से 95 के तकरीबन, 2005 मॉडल है, सेकंड ओनर पे गाड़ी है, सेकंड ओनर है। चलिए कितना बताया? 90-95 हाँ, 90 से 95 हज़ार, ठीक है। आस्किंग भी बता दीजिए। आस्किंग ये गाड़ी आज 2,00,000 रुपए की दे देंगे, 2,00,000 में उठा ले जाइए, बढ़िया गाड़ी है, 40 थी, ठीक है। तो कम कर रहे हैं आप लोग, डिमांड करते हैं भैया कम बजट में लाइए, तो कम बजट में भी लेके आते हैं, ठीक है। और जिस सेगमेंट की गाड़ी चाहिए, जिस बजट में, उस गाड़ी वो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, तुरंत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल अपने पास, ठीक है। सफारी ये 2000 सफारी स्ट्रॉम है, ES, ठीक है, सेकंड टॉप है, डबल एसी वाली है, VIP नंबर 2015 नंबर है इसका, ठीक है। और फर्स्ट ओनर गाड़ी, मॉडल क्या बताया आपने? 13 लास्ट है, 13 लास्ट फर्स्ट ओनर की, ठीक है। EX है, लेकिन आपको रूफ पे भी AC मिल जाएगी, अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। ओनर फर्स्ट है,
क्या आस्किंग है इसकी? 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख है। विदा हुई दुल्हन है जिसकी याद बहुत आती है, सफारी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं आप लोग, ले जाइए, नेगोशिएट भी हो जाएगा। आ जाइए, हम लोग इधर से जाइलो करेंगे, ये सेगमेंट कवर करेंगे, फिर आपको छोटी गाड़ी भी दिखाएंगे। जाइलो भैया 2009 मॉडल की है, D8 टॉप मॉडल है, सारे सीटों पे एसी है इस पे। ओके, और ये भी फर्स्ट ओनर है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट पे है, फ्लाईव्हील एयरबैग वाली है। आस्किंग बता दीजिए। आस्किंग ये हम दे देंगे 2.5 लाख रुपए की, 2.75 आगे अगले में की है। 2.5 में ले जाइए आप जाइलो, 2 में ले जाइए स्कॉर्पियो, 1.90 में ले जाइए बुलेरो, ऐसी बहुत सारी डील है। आप आ जाते हैं भैया आर्टिका पे। 2013 मॉडल की ये गाड़ी है, ठीक है, VDI है, फर्स्ट ओनर है, VDI है। ओके, 65,000 ओरिजिनल, चलिए जनून कंपनी चेक करा ले, चेक करा सकते हैं, ठीक है। अंदर गाड़ी का कोई काम नहीं है, इसमें एयरबैग तो होता नहीं है, इसमें नहीं होता VDI में, ठीक है। बाकी माइलेज की तो ये बिल्कुल किंग है। अरे माइलेज 20 प्लस का ही इसका रहता, कोई भी मारुति की गाड़ी लेंगे 20 प्लस का ही रहता। मारुति माइलेज मशीन ही कही जाती है, ठीक है, लोग लेते हैं। और इसमें प्राइवेट और प्लस कमर्शियल दोनों 2-in-1 है, दोनों काम इस पे हो जाएगा। 2013 है, VDI है, 63 या 67 कितना चली? 65,000 चली हुई है, जेन्युइन है, आप लोग चेक भी करा सकते हैं। आस्किंग बता दीजिए भैया। 5,25,000 5,25 डिमांड है, इतने में तो सर डिज़ायर आती है। आप आर्टिका ले जाइए। नेक्स्ट गाड़ी भी भैया कवर कर लेते हैं, ब्लैक स्कॉर्पियो। 2010 मॉडल की है। ओके, एमहॉक इंजन पे गाड़ी, ठीक है, फर्स्ट ओनर है, पूरी गाड़ी ये भी ओरिजिनल पेंट पे है, ठीक है। और ये गाड़ी शायद 70-70 के करीब चली है, 65-70 के करीब चली। ओके, 3,90,000 रुपये, 3,90 में उठा लीजिए, इसी स्कॉर्पियो मिलेगी नहीं, ठीक है, ये भी नेगोशिएट करेंगे। बगल वाली भी VLX है, 2008 मॉडल की वो खड़ी है, VLX है, UP 44 44 44, VIP नंबर है, VIP नंबर है, ठीक है। गाड़ी बहुत शानदार है, 8 मॉडल है, 2008 मॉडल, ठीक है। आस्किंग क्या है? 3.5 लाख रुपए, 3.5 है, ये भी नेगोशिएट कर देंगे। आइए हम पीछे चलते हैं, थोड़ी छोटी गाड़ी भी दिखाते हैं, और पहले हम करते हैं भैया ये भी दमदार इंजन वाली टोयोटा है, राजा है ये, ठीक है, पूरी डिटेल इसकी भी दे दीजिए। 2012 मॉडल है, 12 मॉडल है, और फर्स्ट ओनर ये गाड़ी है। ओके, और डीजल वेरिएंट है ये, ठीक है। चली कितना है गाड़ी? चली है समथिंग ये 65 लीटर तकरीबन। डीजल बोल दिया है तो माइलेज भी एक बार बता दीजिए। लगभग माइलेज तो इसका 18+ का रहता है, 18+ रहता है, 18+ का रहता है, ठीक है। ओनरशिप फर्स्ट है, ठीक है। आस्किंग बता दीजिए। 2,50,000 रुपये, तो 2.5 लाख में ले जाइए। 2013 मॉडल की हैचबैक टोयोटा की, ये भी बढ़िया इंजन के साथ आती है, पोलो उसके टक्कर की, ये भी आ गई, ठीक है। इसकी भी पूरी 2012 मॉडल है, सेकंड ओनर पे ये गाड़ी है। ओके, और ये गाड़ी लगभग चली हुई है 80 की तकरीबन, 80 के आसपास, 80 के आसपास चली हुई है। ओके, और पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट पे, कहीं अटक टचअप नहीं है इस गाड़ी में, बम्पर भी नहीं छुए, कुछ भी नहीं, सब कंपनी के साथ का पेंट है इस गाड़ी में, गाड़ी ज्यादा चली नहीं, अच्छे आदमी रखी गई। कलर भी वो है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, बहुत प्यारी, पोलो पे कलर ही बहुत जमता है, बहुत जमता है, और 2.5 लाख रुपए में भी दे देंगे। तो जमने वाले प्राइस भी बता दिए, बस ये सेकंड ओनर है, ठीक है, लेकिन प्राइस उसी हिसाब से है। ये हम दिखा चुके हैं, लेकिन इसकी फटाफट से डिटेल दे दीजिए, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं। 2009 मॉडल है, और इस पे नया नंबर लिया गया 2016 का, मतलब आज कोई ये चलाए तो लगेगा लोग 16 चला रहे हैं। और दूसरी चीज में प्लस पॉइंट है, स्पोर्ट है, टॉप मॉडल स्पोर्ट है, टॉप मॉडल है, LIK एयरबैग, ओके, सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिलेगा, ठीक है, पावर स्टेरिंग में सिस्टम वगैरह सब कुछ मिलेगा, चलो ठीक है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी है, सब कुछ है, ठीक है। 2.25 केवल, तो 2.25 है, डिमांड है, ये भी नेगोशिएट कर देंगे, और इंजन से बहुत बेहतर है, स्टार्ट कर लेंगे आपको साउंड मजा आ जाएगा। आगे से चलिए हम दिखाते हैं डिजायर, क्योंकि आगे से लगेगा कि नए शेप है कि पुराना शेप है। आ जाइए भैया, इसकी भी डिटेल दे देते हैं। भैया हम खड़े हैं स्विफ्ट डिजायर, ये दिखा चुके हैं, लेकिन फिर से इसकी डिटेल दे दीजिए एक बार। स्विफ्ट डिजायर मेरे पास 2012 मॉडल की है, न्यू शेप में है, ठीक है, और फर्स्ट ओनर है, 65,000 चली है। ओके, गाड़ी पूरी ओरिजिनल पेंट पे है, ठीक है, तो मैं गाड़ी 3,40,000 रुपए की दे दूंगा। ओके, अब याली के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में, ठीक है। वो 2013 मॉडल लास्ट की है, फर्स्ट ओनर है, बैंक मैनेजर की वो गाड़ी है, एसेसरीज बहुत लगी हुई है, बहुत कुछ टीवी LCD वगैरह सब कुछ, आप लोग देख रहे होंगे एसेसरीज भी लगी है, सारी लोडिंग्स के साथ आपको कम दाम में मिलेगी, जो प्राइस भैया बताएंगे वो प्राइस में आपको मिलेगी नहीं।
भैया मॉडल ऑर्डर पहले फटाक से एक बार बता दीजिए, फिर हम बताते हैं। 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। ठीक है, चलिए कितना है? के समथिंग गाड़ी चली हुई है, सिल्वर कलर की है। ओके, गाड़ी में अंदर बाहर आप दिखवा दीजिए अभी। ठीक है, और 3,99,000 रुपए धमाकेदार प्राइस, 3,99,000 में मिल जाएगी, धमाकेदार प्राइस है। इसमें भी थोड़ा सामान रख देंगे, देख लेंगे। और उसके एक और मेरे पास स्विफ्ट खड़ी है, खड़ी हुई है, 2009 मॉडल की है, सेकंड ऑनर पे है। ओके, और VDI है, पावर विंडो पावर स्टीयरिंग। ठीक है, वो गाड़ी 1,75,000 रुपए की दे देंगे, और गाड़ी वो 75-80 के समथिंग चली हुई है। गाड़ी बहुत शानदार, टायर से, इंजन से, बॉडी से, बहुत सही। बाकी जो RVM टूटा है वो बनवा देंगे, वो मैं करवा के देता हूँ। ठीक है, ये सारी हो गई डिटेल भैया, पोलर डिटेल। 2011 मॉडल है, ओके, फर्स्ट ओनर है। ठीक है, गाड़ी वैसे ही रखी हुई है, अभी इंजन में पेचकस तक को नहीं लगा। ठीक है, और वेरिएंट कौन सा है? वेरिएंट ये सेकंड टॉप है, कंफर्ट लाइन है। कंफर्ट लाइन है, ठीक है, ओके। और गाड़ी 60,000 के समथिंग ये चली हुई है। ठीक है, और ओनर फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर। एयरबैग इसमें होते हैं? एयरबैग इसमें नहीं होते, नहीं होते हैं। क्या आस्किंग है? 275 ये भी नेगोशिएट कर देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, फर्स्ट ओनर है इसलिए थोड़ी महंगी है, सेकंड ओनर सस्ती है, गाड़ी अच्छी है ना उससे। ठीक है, ठीक है, ये सारी हो गई डिटेल। फाइनेंस की फटाफट से डिटेल, फाइनेंस की डिटेल ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो मैं तुरंत करवा दूंगा। ठीक है, से कहीं भी है। ठीक है, और अगर प्राइवेट जॉब है और 20,000 प्लस की सैलरी है प्राइवेट जॉब में, तब मैं करवा दूंगा। 20,000 के नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें छोटी गाड़ी हो पाएगी, बड़ी गाड़ी नहीं हो पाएगी। दायरा अपना UP का है, दायरा UP का, फाइनेंस के लिए। फाइनेंस, ठीक है, बाकी जम्मू कश्मीर तक भेजिए गाड़ी। बाकी गाड़ी हमारा पूरा झारखंड, बिहार और MP सब जगह भेजा, पूरा UP हर जगह सब गाड़ी हम देते हैं। ठीक है, और लोग आते ले जाते हैं। सऊदी भाइयों के लिए क्या है? सऊदी वालों के लिए ये ऑफर है, सऊदी वालों को मैं गाड़ी ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि महीने की मैं 10 गाड़ी सऊदी में बैठे हुए भाई अपने यहाँ घर परिवार फैमिली को बेच के हमसे गाड़ी लेते हैं। ठीक है, उनके लिए एक NRI अकाउंट होता है, अगर यहाँ पे जो रहता है परमानेंट 6 महीने तक अगर उनकी सैलरी आ रही है वहाँ सऊदी से उनके अकाउंट में, तो उसको भी करवा दूंगा। और थोड़ा सा अगर उसको जरूरत पड़ी तो फसरा खतौनी वगैरह कराना, किसान भाइयों के लिए कचरा खतौनी है, फसरा खतौनी करवाता है पूरी चाहिए। और अकाउंट में 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हमको अच्छा चाहिए, महीने में 20-25-30,000 रुपये उनके अकाउंट में आ रहा है, तो वो ले लें। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा उनको सऊदी में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा, जो किसी बंदा भेजेगा मैं उसी को। चलिए, तो ये पूरी हो गई डिटेल। बाकी वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के थ्रू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। धन्यवाद।